हमारा भारत, संस्कृति, हिंदू धर्म विविध व्रतों त्योहारों से भरा है। एकादशी तिथि जो कि हर महीने कृष्ण पक्ष में भी आती है और शुक्ल पक्ष में भी, इस तरह से हर वर्ष 24 एकादशियां होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है तो 26 एकादशियां हो जाती हैं। ये एकादशी तिथि भगवान विष्णु की अति प्रिय है, ये उनके दिल के करीब है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसके जन्म जन्म के पाप कटना शुरू हो जाते हैं और उसे इस जन्म में अपार सुख समृद्धि और धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वो जीवन में सारे सुख भोग कर जाता है। मंगलवार यानी कि 6 फरवरी को षट तिला एकादशी है। ये षट तिला एकादशी पर आपको कैसे प्रयोग करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, आपकी कोई भी मनोकामना हो जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, आज आपको षट तिला एकादशी का आपको विशेष उपाय देने जा रही हूँ। इसके साथ ही डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु का और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी नंबर देने जा रही हूँ। इससे पहले राधे राधे, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और साथ में चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। दोस्तों, डेली आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि पूरा दिन आपका एनर्जेटिक हो जाए, आप चाहे पूजा पाठ करें ना करें, आपका हर दिन आपके लिए सुकून भरा हो, स्ट्रेस फ्री हो, ऑरा आपकी क्लीन हो, इम्यूनिटी आपकी मजबूत हो। मात्र एक मिनट के प्रयोग से ये सब कुछ आपके लिए संभव हो सकता है। ये है अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बहुत ही प्रभावी है। इन्हें एक बार आप आजमाकर जरूर देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि ये बहुत ही अधिक आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। इनकी ये भी विशेषता है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। मात्र एक मिनट का प्रयोग है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई कर सकता है। बच्चों को, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, अपने पढ़ाई की वजह से इतने ज़्यादा टेंस रहते हैं, इन बच्चों को जरूर कराइए। घर की महिलाएं, इतने सारे काम होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इमोशनली वीक होती चली जाती हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो घर से बाहर आप काम करने जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे किसी लोगों से आपका सामना हो जाता है जिनकी एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से आप या तो बीमार पड़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आप लो फील करने लगते हैं, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो, उनके पास कोई काम ना होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के अंदर हो रही हलचलों से, अपनी बीमारियों से परेशान रहते हैं, जिससे कि उनके मन में भी तनाव से मुक्ति मिले, मन शांत रहे और शरीर भी उनका प्रसन्न रहने लगे। इसलिए इनको आपको जरूर करना चाहिए। 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 3:19 से 4:21 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों, आपको छोटे से गुड़ के टुकड़े पर 2 चुटकी हल्दी रखकर इसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और चींटियों के बिल में या कहीं भी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए, या फिर आप गाय को खिला दीजिए। देखिएगा कि पूरा दिन आपके लिए एनर्जी से भरा रहेगा। जादुई अक्षर है धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नली में ना बहाएं।
दोस्तों षट तिला एकादशी यानी छह तरह से तिलों का उपयोग करना। तिल का महत्व तो बहुत ज्यादा है। तिल अपने आप में हर देवी देवता को भोजन में हवन में बहुत पसंद है। भगवान विष्णु के समक्ष तिल तेल का दीपक जलाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की प्रिय हैं। अगर आप व्रत रहते हैं या आप मात्र कहानी भी सुन लेते हैं तो आपके जन्म जन्मों के जाने अनजाने के पाप कर्म क्षय होना शुरू हो जाते और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, महीने में दो पड़ती हैं, आप कोई व्रत रहे ना रहें, एकादशी के व्रत रहने से मात्र से आपकी इंद्रियां आपके वश में होने लगती हैं, आपके नौ के नौ ग्रह संतुलित होने लगते हैं और आपको पुण्य फल की प्राप्ति के साथ में हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। आप अपने जीवन में सांसारिक सारे सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है। तिलों का प्रयोग, आप षट तिला एकादशी में तिलों का प्रयोग, सबसे पहले इस अपने नहाने के स्नान के समय आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। थोड़े से तिल को दूध में भिगो दीजिए, उसको हल्का सा पीस लीजिए, जैसे पेस्ट बना लीजिए। नहाते समय पहले इसका अपने ऊपर पूरा लेपन कर लीजिए, चेहरे इत्यादि पर रगड़कर इसको हटाकर स्नान करिए, तो इससे आपके शरीर की एनर्जी आपके अंदर बढ़ती है। तिल के स्नान से आपके लिए आपके शरीर से निगेटिविटी दूर होती है और आपको एक ऊर्जावान आप अपने आप को महसूस करते हैं। दूसरा, तिल तेल का दीपक भगवान विष्णु के समक्ष जरूर जलाना चाहिए। सूर्य के जल में भी आपको काला तिल डालकर आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन तिल का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाना चाहिए और ये तिल का भोग लगाने के बाद तिल से बनी हुई चीजों को आपको लोगों को जरूर वितरित करना चाहिए। इसके साथ है अपने भोजन में भी आपका तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये तिल आपको शरीर में आपके वात पित्त और कफ को नियंत्रित करते हैं। आज बात कर रही हूं मैं एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि पर आपको भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। आपको आपके पास अगर पुस्तक नहीं है तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर भी एकादशी की कथा सुन सकते हैं। एकादशी हर महीने आती है। एकादशी तिथि पर आपको पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। आप व्रत रह पाते हैं, आपका शरीर अलाउ करता है तब ठीक है, नहीं करता है तब आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। आपके आपने कहा परिवार में कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ, कोई बात नहीं है, सभी के नाम से संकल्प छोड़कर आप ये कथा सुन सकती हैं। इसमें अपनी इच्छा की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, आप भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाइए, पीले कलर के कपड़े पहनिए, पीले कलर का आसन ले लीजिए, एक लोटा जल भर के रखिए। आप शुद्ध देसी घी का भी दीपक लगा सकती हैं, आप तिल तेल का भी दीपक लगा सकती हैं। आप इसमें रुई की बाती लगाइए, लेटी हुई बाती लगाइए रुई की, और इसके साथ ही इसमें हल्की सी आप केसर या हल्दी डाल दीजिए। अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, उसके बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, आप पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि चाहती है तो सभी का नाम लेकर आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी कि वो आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें, धन धान्य की वृद्धि करें, और इस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकती हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, भोग जो आप भोग लगा रहे हैं उसमें तिल से बनी हुई वस्तुएं आपको जरूर रखनी है। चाहे आप तिल की बर्फी रख लीजिए, तिल की गजक रख लीजिए, या तिल से बनी हुई कोई भी आप खाद्य पदार्थ रख लीजिए, ऐसी खाद्य पदार्थ जिसे आप इजीली व्रत के समय, अगर आपका व्रत है तो आप खा सकें। चावल का उपयोग एकादशी तिथि में नहीं करना चाहिए। आपको लेना है एक तुलसी की लकड़ी और एक कागज जिसको आपको थोड़ा सा दो चुटकी हल्दी डालकर आपको इस पर रंग लेना है। इसके साथ ही अब आपको इस पर अपनी कामना लिखनी है। अपनी कामना जो आप चाहते हैं, एक कोई मनोकामना आप चाहते हैं, कोई आपकी ऐसी एक कोई मनोकामना जो शीघ्र पूरी हो जाए, तो आप इसके लिए जो आपने लकड़ी की, तुलसी की लकड़ी की कलम बनाई है, इसमें आपको रोली से आपको इस पर अपनी कामना लिखनी है। अगर आपको तुलसी की लकड़ी नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रेड कलर का कोई भी आप स्केच पेन ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि तुलसी की लकड़ी में आप रुई लगाइए ऊपर से और इसको घी में डिप करके इसका भी आप दीपक भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। साथ में इसी तुलसी की लकड़ी को चंदन के साथ में घिसकर
नारायण को टीका लगाइए, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाइए। अपनी कामना लिखिए, ऐसी मनोकामना जो आपकी शीघ्र पूरी होने वाली हो, या ऐसी कोई कामना जो आपकी वर्षों से आपके मन में ख्वाहिश है और पूरी नहीं हो पा रही है, इसे आपको लिखना है। नीचे ऊपर पहले आपको नारायण को धन्यवाद करना है, उसके बाद अपनी कामना लिखनी है, अपना नीचे अपना नाम भी लिखना है। इसके बाद इसे चार फोल्ड कीजिए और इसे कलावे से बांध दीजिए और अपनी कामना बोलकर अपने माथे से लगाकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की आप एक माला जाप कर लीजिए। ये जो चिट बनाई है इसे आप अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने दीजिए। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो आप ये काम करेंगे कि ये आप दूसरे दिन इस चिट को उठाकर लड्डू गोपाल के आसन के नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को बिठा दीजिए। ये मनोकामना देखेंगे आप कि कैसे उसमें गति आ गई है, जो अब तक बिल्कुल सुप्त पड़ी थी, जिसके लिए कहीं आपको कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, अब आपके लिए उसके रास्ते खुल गए और आप उस मनोकामना की पूर्ति के लिए अग्रसर हो गई है, यानी कि आप उस तरफ चल पड़ी हैं और देखते ही देखते वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ये इतना ही चमत्कारिक प्रयोग है। नारायण की ये जो मैंने आपको बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती हैं तब, नहीं करती हैं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हर घर में कम से कम 27 बार, 54 बार या 108 बार जाप जरूर होना चाहिए। इस दिन आपको धन की कामना के लिए, आप चाहते हैं आपकी कोई भी धन की कामना है और आपका गुरु ग्रह कमजोर है और आपसे किसी ने कहा है कि आप पुखराज पहन लीजिए, तो आज मैं आपको बता दूं इस दिन आपको एक छोटी सी हल्दी की गांठ लेनी है, इसको आपको पीले धागे से इसको बांध देना है हल्दी की गांठ को, और इसके बाद इस पर ओम ब्रह्म बृहस्पतेः नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके नारायण के चरणों में रखकर इसके बाद धूप दीप दिखाकर आप इसे गले में धारण कर लीजिए। आपको कोई महंगा रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। देखिए, विवाह के लिए लड़कियों के लिए गुरु का मजबूत होना जरूरी है तो लड़कों के लिए शुक्र का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ दोनों के लिए ही गुरु का तो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आपने 7 हल्दी की गांठों को सफेद कलर के रूमाल पर रखकर नारायण को अर्पित कर देना है और ओम ब्रह्म बृहस्पतेः नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके इस हल्दी को आप उठा लीजिए और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। पीसने के बाद हर दिन इस हल्दी में से 2 चुटकी हल्दी आपको नहाने के पानी में डालनी है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो रात्रि के समय 2 चुटकी हल्दी पाउडर अपनी हथेली पर रखिए और इसमें 2 बूंद पानी रखकर इसको रब करके आप ऐसे ही सो जाइए। देखिएगा कि इससे कितनी जल्दी आपके लिए विवाह का योग खुल जाएगा और आपके विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगेंगे। ये प्रयोग लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। धन की आपके यहाँ बहुत अधिक किल्लत रहती है तो 7 हल्दी की गांठों को आपको पीले कलर के कपड़े में बांधना है, नारायण को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का नाम जाप करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करके अपने धन स्थान पर अपने कैश बॉक्स में रख देते हैं तो हमेशा आपके जो तिजोरी है, जो आपका गल्ला है, हमेशा पैसों से भरा रहता है, धन की आवक बनी रहती है। लेकिन इसके साथ ही आपको जो थोड़ा सा भी पैसा है आप जो कमा रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत आपको घर के मंदिर में रखना चाहिए और अपने घर के मंदिर में कुछ सिक्के और नोट भी आपको अवश्य ही रखे छोड़ देने चाहिए। इन्हें किसी भी रूप में, आप जरूरी नहीं है कि आप 100, 1000, 500 ही रखें, आप 10-20 रुपए का नोट और कुछ रेजगारी जो हमारे यहाँ सिक्के यूज होते हैं अपने घर के मंदिर में जरूर रखने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एकादशी तिथि पर आपको, अगर आप एकादशी तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो ये भी आपके पुण्य फल की प्राप्ति को कराता है। आपके जीवन में अगर गुरु ग्रह की दशा चल रही है और वो आपकी अच्छी नहीं जा रही है तो आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ आप नियम से कीजिए, डेली कर सकते हैं। आपने कहा संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप पीछे उसके पुस्तक के पीछे ही 1000 नाम दिए हुए हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं।
आप पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम सुनना शुरू कर दीजिए। एक पीला धागा ले लीजिए, रेशमी पीला धागा लीजिए, इस पर 7 गांठे लगाकर आप नारायण के चरणों में अर्पित कीजिए और आप उनसे 7 जन्मों के अपने कर्मों के बंधन को काटने की प्रार्थना करके ये विष्णु सहस नाम का पाठ करके इसको अपने कलाई में धारण कर लीजिए। पुरुष हैं तो सीधे हाथ में, महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में। देखिएगा आपके जीवन में कितना भी दरिद्रता योग क्यों ना लगा हो, कितनी भी आप विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, 6 महीने होते होते आपकी वो समस्याएं कहाँ चली गई, किधर गई, किधर आप अपनी ऊंचाइयां छूने लगे, आप भूल जाएंगे कि कभी भी आपके जीवन में दुख के दिन भी आए थे। तो ये है चमत्कार एकादशी पे किए जाने वाले उपाय। अगर आप ये एकादशी पर नहीं कर पाते हैं तो आप ये किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं, किसी भी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं और इन्हें कीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। तो देखिएगा कि नारायण आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको भर भर कर आपके भंडारे भर देंगे, आपको करोड़पति अरबपति आपकी जो भी कामना है वो आपकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने में 6 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर आपको रेड कलर से 6 नंबर लिखना है, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको वर्षवार सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखे बिना कमेंट से बाहर मत जाइए, चैनल से बाहर मत जाइए। इसके साथ ही वीडियो आपको फॉरवर्ड जरूर कीजिए अपनों को जो आपके अपने हैं, वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कीजिए जिन्हें आप अपने दिल के करीब मानते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो के बारे में कोई जानकारी चाहिए आपको यूट्यूब पर ही जाकर कमेंट करना होगा। धन्यवाद, कल फिर मिलूंगी आपसे ऐसे किसी विषय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।